देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। लॉकडाउन के दौरान कोतवाली विकासनगर से महज 200 मीटर की दूरी पर बंद पड़ी किड्स एवं गिफ्ट सामान की दुकान पर चोरों द्वारा हाथ साफ किया गया। पड़ोस के ही रहने वाले एक दुकानदार द्वारा इसकी सूचना दुकान मालकिन को दी गई। दुकान मालकिन द्वारा दुकान पर पहुंचकर सामान बिखरा हुआ पाया गया और इसकी सूचना पुलिस को दी। चोर दुकान के ताले तोड़कर दुकान में रखी 5,000 रुपए की नकदी, बच्चों के कपड़े, जेंट्स टी शर्ट के अलावा जूते और लेडीज सैंडल अपने साथ ले गए। कोतवाली पुलिस मामले की जानकारी जुटाने के बाद चोरों की तलाश में जुट गई है। सर, मेरी दुकान में अभी अचानक मेरी दुकान है, मेरा नाम बबीता है, मेरी दुकान का नाम है आराध्या किड्स की है और ये बाईपास रोड पर है एसडी कॉलेज के पास। तो मेरी दुकान अभी लॉकडाउन की वजह से क्लोज थी, काफ़ी बंद थी। तो मुझे पड़ोस में एक भैया ने कॉल किया कि आपकी दुकान का सामान खुला है और शीशा भी टूटा है। फिर मैं जब यहाँ आई तो यहाँ देखा सारा सामान बिखरा हुआ है, शीशा भी टूटा है, लॉक भी यहाँ से गायब है। लॉक भी वो लेके गए और जो कैश था वो भी ले गए, बच्चों के कपड़े, खिलौने, जेंट्स टी शर्ट, शर्ट, शूज और पर्स वगैरह ये सब भी वो लेके गए, काफ़ी हद तक सामान लेके गए। और अभी पुलिस भी आई थी, वो भी थोड़ी इंक्वायरी करके गई है, अब आगे देखते हैं। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।